एक और जहां योगी सरकार मिशन शक्ति के नाम पर प्रदेश भर में अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला अमेठी का है, जहां ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर नाबालिग लड़की ने खुद को आग के हवाले कर दिया। बुरी तरह झुलसी युवती 7 दिनों तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ती हुई हार गई। उसने लखनऊ में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आरोप है कि मुंबई में बैठकर गांव का ही एक युवक लगातार फोन कर युवती पर शादी करने का दबाव बना रहा था। इस प्रताड़ना से तंग आकर युवती ने पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग के हवाले कर दिया था। बुरी तरह झुलसी युवती की 7 दिनों के इलाज के बाद मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद भी शोहदे की दबंगई कम नहीं हो रही है। मृतका के भाई का आरोप है कि आरोपी पक्ष की ओर से समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। उसे एक लड़का मानसिक रूप से बहुत परेशान कर रहा था और कुछ उसके पास ऐसा था जिसकी वजह से उसको धमकियां दे रहा था कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं इसको तुम्हारे बाप को दिखा दूंगा, तुम्हारे भाई को दिखा दूंगा, जिससे वो कहीं सर उठा के चलने लायक नहीं रहेंगे। उस चीज़ से मजबूर होकर उसने अपने आप को आग लगा लिया। उससे बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे छोड़ दो, मैं नहीं कर सकती तुमसे शादी, लेकिन वो नहीं माना। उसे बार बार परेशान करता रहा और उसके बाद में उसने मुझे फ़ोन किया, बताया कि ऐसी ऐसी बात है। अभी तक तो मैं कह रहा था कि शादी करूँगा, अब मैं कह रहा हूँ ना तो करूँगा ना ही कहीं करने दूँगा, जो जिससे होता हो कर ले। तभी मैंने अपने घर पर फ़ोन किया और पूछा कि ये सब क्या चल रहा है घर पे। तो पापा ने घर पे उनसे पूछताछ की तो उसे जैसे ही पता चला कि मेरे बाप भाई को सबको पता चल गया है, तो उसने तुरंत अपने आप को आग लगा लिया। और उसके बाद आज 1 हफ्ते बाद सिविल अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई रात में। पुलिस को सूचना दी, FIR मैंने करवा दी थी जाके। अभी उसके बाद वो लोग पूरा जोर दबाव बना रहे मेरे ऊपर कि किसी तरह से मुकदमा क्या नाम है वापस ले लिया जाए, इस तरीके की वो लोग प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा चाहे जो भी हो जाए। वहीं पुलिस ने पीड़िता के भाई की तरफ से दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया और 4 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये थाना सिवतनगंज के ग्राम जियापुर का मामला है। दिनांक 20/11/2020 को एक लड़की पेट्रोल छिड़क करके आग लगा करके जल गई थी। उसके भाई ने 23/11/2020 को मुकदमा पंजीकृत कराया अपने ही गांव के एक मोहम्मद जमीम उर्फ बबलू के खिलाफ। इसमें लिखाया कि उसकी बहन को वह फ़ोन के माध्यम से शादी करने का दबाव बनाता था। बबलू इस समय बंबई में रह रहा है और इसी के साथ साथ उसके 3 भाई जिसमें वसीक और राजू आसिफ, ये तीनों भी दबाव बनाते थे कि यदि पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया तो हम आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। तो इस प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सिवरतनगंज में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इनमें से वसीक और राजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद जमीम को गिरफ्तारी हेतु मोहम्मद जमीम और आसिफ की गिरफ्तारी हेतु टीम रवाना की गई है। पीड़िता की मृत्यु बलरामपुर अस्पताल में हो गई है, उसकी डेड बॉडी यहां आ रही है। सरेदस्त स्थिति सामान्य है, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम मुंबई रवाना हो गई है और पुलिस जल्द ही उसकी गिरफ्तारी का आश्वासन दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।